जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सम्मानीय साथियों, आप सभी जानते हैं कि अगर यह समाज संगठन भारत के YouTube चैनल पर अगर यह समाज संगठन भारत अंतर्गत हुए संपूर्ण गतिविधियों को हम इस चैनल पर हम सदैव लाते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक गतिविधियां हो या फिर समाज में हुए कोई सांस्कृतिक गतिविधियां हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक गतिविधियाँ जो संगठन के माध्यम से किया जाता है। यानी हम अगर यह समाज संगठन भारत के संपूर्ण गतिविधियों को हम लगातार आप सभी लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से हम लाते रहते हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि अगर यह समाज संगठन भारत का उद्देश्य ही है एक संगठित समाज का निर्माण कर पाना और संगठन के उद्देश्यों से लोगों को लगभग परिचित कराना, जिससे एक संगठित समाज का निर्माण हो सके। सम्मानित साथियों, आज हम पुनः एक विचारधारा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का एक जिला वहीं से लाए हैं, जहाँ 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को अगर यह समाज संगठन भारत के नेतृत्व में लगभग संगठन अंतर्गत जुड़े सभी जिलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, जो ये कार्यक्रम जिला अनूपपुर में भी संपन्न हुआ था और मेरे द्वारा स्वयं वृक्षारोपण किया गया था। आज उसी की वीडियो को मैं आप सभी लोगों के बीच में लाया हूँ सम्मानित साथियों, क्योंकि अगर यह समाज संगठन भारत एक अगर यह समाज के उत्थान एवं विकास के साथ साथ ऐसा एक कोई भी सार्वजनिक कार्य जो एक राष्ट्रीय कार्य हो, सामाजिक हित में हो, वो संपूर्ण गतिविधियों को अगर यह समाज संगठन करता है, तो साथियों ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक सार्वजनिक राष्ट्रीय कार्य रहा, उस पर भी अगर यह समाज संगठन भारत ने अपनी भूमिका निभाया है। संगठन अंतर्गत जुड़े लगभग सभी जिलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, जिसके वीडियो हम आगे भी अन्य जिलों का लाने वाले हैं, लेकिन आज हम जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का वीडियो लाए हैं जिसमें मेरे द्वारा स्वयं वृक्षारोपण किया गया। साथियों, तो साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया शीघ्र सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर हम अगरिया समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियाँ, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियाँ एवं अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएँ साथियों हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं। सम्मानित साथियों, वीडियो को कृपया लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से एक प्रेरणा मिलता है हमको, एक मोटिवेशन मिलता है और हम और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और साथियों, कोई विचारधारा है आपके मन में हो, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को कृपया टाइप करके हमको प्रेरित करें, कोई सुझाव दें। और साथियों, सबसे मुख्य बात, वीडियो को साथियों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से संगठन की गतिविधियां लोगों तक पहुंचती है और संगठन का उद्देश्य ही है एक संगठित समाज का निर्माण कर पाना। इसलिए साथियों, वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लव प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक। मित्रों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय लव प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत की ओर से हमारे संगठन में संगठन अंतर्गत लगभग सभी जिलों में एक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। लगभग भारत अंतर्गत जितने भी संगठन से जो राज्य के साथ जो जिले हैं वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे जिलों में आज बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है और हर ब्लॉक में 10 पौधे का रोपण किया जा रहा है। यानी एक जिले में जितने ब्लॉक होंगे यानी उतने 10 पौधे का रोपण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी संगठन को भेजी जा रही है सभी जिलों द्वारा। तो साथियों, आज मैं जिला अनूपपुर के ग्राम सोही बेल्हा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय लव प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत अगरिया समाज द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो अभी हम वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये आम का पेड़ है और ये हम कर रहे हैं। हमने गड्ढा पहले से ही तैयार कर रखा था। तो
इस तरीके से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैंने आज अनूपपुर जिला की ओर से मैंने आज लगभग 7 वृक्षों का रोपण किया है, जिसमें से ये आप एक आम देख रहे हैं और 2 अमरूद हमने लगाया हुआ है और 1 अमरूद यहीं पास में है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये इधर दिखा, ये अमरूद है, ये हम इसको पूर्व में पहले ही लगा चुके थे इस अमरूद को। तो इस तरीके से अगर यह समाज संगठन भारत की ओर से एक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है और आज 5 जून पर विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर हम सभी अगर यह समाज के साथी आज बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये हमने इस वृक्ष को रोप दिया है और हमने अलग अलग जगह पर मेरे द्वारा खुद वृक्षारोपण किया गया है। पास में ही मेरा खेत है, मैंने वहाँ जाकर वृक्षारोपण किया, 2 आम अलग से लगाए और 1 अमरूद यहाँ लगाया, 1 आम का पेड़ यहाँ लगाया। इस तरीके से करके कुल 7 जगहों में 7 पेड़ों का मैंने वृक्षारोपण किया है। साथियों, वृक्षारोपण एक बहुत ही पुनीत कार्य है और हम सभी को इस राष्ट्रीय स्तर के कार्य में जो जनहित का कार्य है, हम सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, जो एक जीवनदायिनी के रूप में होते हैं, इसलिए वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।